बेड़ी आज सभी रे बनाने होंगे, आज सभी रे बनाने होंगे, पर घर तू पहड़े खाने होंगे, यूं ही दुख पा कोट अड़ोसन पड़ोसन कंचनपुर गांव की ये नहीं समझ रही थी कि ये कभी राजा की रानी थी। उसी हालत से देख रही थी उसको, क्योंकि चोर को चोर जैसे नजर आते हैं और शाह को शाह जैसे। मेहरबानों जो अड़ोसन पड़ोसन थी वो उसे बंद करने लगी और ये कहने लगी कि ये बहन तेरा इस समय रोना ठीक नहीं है, ये आंख खराब हो जाएंगी। लेकिन महारानी अमर कौर का संपट नहीं बंधा, बालक के चेहरे को देख देख करके, क्योंकि राजा से मिलता जुलता था, याद आ रही थी और रो रही थी। न्यू कह रही थी, बहिरा जो तू होता महला के माँ, जाने बाजा खुशी रे मना, सकाल देखे का आज फोलिया नहीं ले समाता, आज फूला नहीं रे समाता, जब लुटाता प्राण नाथ ना राज
चले जा। ओ भाई कदे तोहर संग रहे मदन, जब 5 साल का हो गया स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। बड़ा योग होनहार बालक आखिर राजा का था, अपनी कक्षा में पहले नंबर था। 2-3 साल में कक्षा 5 पास कर गया। उसी समय कुम्हार की बुद्धि बदल गई, कुछ मन चले लोगों ने, ये बच्चा तेरा किस काम आएगा जिसको तू पढ़ाने लिखाने में इतना पैसा खर्च करे, इससे तो इससे अपना काम ले। मेहरबान हो ये कुम्हार ने इस जगपाल को पढ़ने से रोक लिया। लड़का जगपाल गधे चराने के लिए भेज दिया। गधे चराता चराता बालक 12 साल का हो जाता है। उसी समय श्याम नगर में राजा श्यामकरण राज करते थे, जिनका एक लड़का भद्रपाल नाम का था। रंग से काला, शकल से बदसूरत और चेचक के दाग भी थे। उस भद्रपाल की सगाई महारानी अमर कौर के मामा की लड़की से हो गई। ये बारात भद्रपाल की चल करके रास्ते से उस कल्लर में कर होकर गुजरी जिस कल्लर में ये जगपाल गधे चरा रहा था। श्यामकरण को ये बहुत भारी चिंता थी कि नाई से और ब्राह्मण से बातचीत करके सगाई लगन चिट्ठी सब ले लई, सब कर लई, लेकिन लड़का को जब गांव वाले लड़की की माँ और उसके रिश्तेदार देखेंगे तो ऐसा ना हो कभी तुझे वापस कर दें, फेरे ना दें। और उसने इस बालक के चेहरे को देख करके एकदम से ये बात सेट कर ली दिमाग में कि इस बालक को साथ ले लिया जाए, इसके साथ फेरे ले लेंगे, लड़की यहां आ जाएगी तो भद्रपाल की है। ये महाराज श्यामकरण उस बारात के एक डोले को रुकवा करके ये पूछ रहा है, क्या गधे चराता फिरे धूप में गन्ने जूता जोरा से। अकल देख हैरान हुआ मैं हालत का, ना चला पता रे मात पिता जिंदे या मर गए, सोच समझ के ठीक बता रे चंदा जैसी जान कमर तेरी खिल रही जैसे बेल लता। ओए चंदा जैसी जान कमर तेरी खिल रही जैसे बेल लता। करूं गुजार
सारा इतना सा है हाल मेरा गधे चराना टुकड़े खाना और के कमाल मेरा गधे चराना टुकड़े खाना और के कमाल मेरा बाप नहीं है मेरा जिंदा निस दिन चिंता बढ़ती है रे नाम बाप का पूछूं सुन के माँ मेरी रो पड़ती है उम्र की गैला रिंज बढ़े मेरी चिंता नहीं लिखड़ती ओई उम्र की गैला रोज बढ़े मेरी चिंता नहीं निकलती है कौन तो कह दई गधे चराना ओए मात पिता रहे कौन सागा ओ बोले गधे चराने आले के तहना मात पिता कितने तेरी हो जाएगी सारी आजादी सर पे तेरा बांध लाड ले करवा दूंगा तेरी शादी सर पे तेरा बांध लाड ले करवा दूंगा तेरी शादी छोटी सी आयु में बेटा क्यों इतना दुख पावे तेरे करनी धूप पड़े चाहे सर्दी हरदम गधे चरावे तेरे सूरत तेरी देख देख मेरे दिल में रहम समावे ओ सूरत तेरी देख देख मेरे मन में रहम समावे क्या क्या सपने देख रही है मेरी शकल देख के अपने जख्म जिगर के सेक रही ओ मेरे